सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मेरा नाम मनोज कुमार दुबे है, मैं विश्वनाथ मंदिर में शास्त्री हूँ। देखिये, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि हमारे शास्त्र में कहा गया है प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। पहली बात तो यह है कि जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारे पास है हाथ में कमंडलू, मैं इससे जल चढ़ाता हूँ, ये हमारा है, इसको कमंडलू हम कहते हैं। दूसरी बात है कि सांच को आंच नहीं, जो सच्चा है हाँ उसमें देर लग सकती है लेकिन वो फैसला जो भी आएगा सही आएगा कोर्ट के द्वारा जो आएगा, क्योंकि सामने सारे साक्ष्य हैं। और जो फाउंटेन जो लोग कह रहे हैं, शिवलिंग में फाउंटेन में अंतर है, हम लोग सनातनी धर्म वाले हैं तो शिवलिंग में। और जहां तक एक बात मैं बताऊं, जो वीडियो वायरल हो रहा है किसी ने गौर से नहीं देखा होगा, मैंने देखा है, उसमें जो वीडियो में दिख रहा है कि जो शिवलिंग है उसमें सर्प की आकृति मुझे दिखाई दे रही है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं दूसरे की नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जो देखा कि उसमें जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसमें नांग, क्योंकि हमारे शिवलिंग में एक तो हम लोग शिवलिंग में नांग ऐसा लगाते हैं बाहर से, और एक नांग नीचे अर्घा में रहता है, किसी किसी शिवलिंग में, किसी में पीछे से भी रहता है। तो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है उसमें नांग मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कोई वीडियो यदि गौर से देखेगा तो ये है। तो हाँ, अब आप क्या बोल रहे हैं, आज उसका फैसला भी आने वाला, क्या लगता है कि किसके पक्ष में होने वाला है? देखिए, ये बात तो आप लोग भी जानते हैं, सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम यदि सही कहेंगे उनकी प्रकृति बन जाती है कि आप जो कहेंगे मुझे वो सुनना ही नहीं है, मुझे वो आप कहेंगे कि ये सही है हम कहेंगे गलत है, तो वो उनकी प्रकृति बन गई है। जिसकी जो प्रकृति बन गई है उसको नहीं कह सकते, वो छोड़ नहीं सकते ना अपनी प्रकृति। तो इसलिए जो भी फैसला आएगा कोर्ट के द्वारा जो भी आएगा वो सही आएगा, क्योंकि जो सही है वो सही है। नंदी से जुड़े हैं, बहुत डीपली देखे हैं, देखे होंगे, क्या लगता है नंदी जी के सामने जो क्या चीजें हैं? और अरे भैया, जब पश्चिमी दीवार आप यहीं से अभी देखेंगे, आप मंदिर के सामने खड़े हैं, पश्चिमी दीवार है, आप पश्चिमी दीवार देखिए ना, पूरा साक्ष्य समझ में आ रहा है मंदिर का। और जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ नीचे है जो मंदिर का बनता है वो पूरा मंदिर का है, तो उसमें कहना ही क्या है। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि नहीं वो मस्जिद है, मस्जिद है, तो भाई पक्ष विपक्ष दोनों होता है, वादी प्रतिवादी, वो अपना पक्ष रखेंगे और हिंदू जो प्रतिवादी हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, कोर्ट में जो सही होगा वो सामने आ जाएगा, किसी के कहने से कुछ होता नहीं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो सच्चाई छुप नहीं सकती भैया, देर लगेगी, सांच को आंच नहीं है, सामने आ जाएगा। तो क्या मानते हैं, पूजा का भी वहाँ पे समय देना चाहिए, लोगों को पूजा करने की इजाजत देनी चाहिए कोर्ट में? अभी जो फैसला आने दीजिए, जो होगा सही होगा, इतना हम जानते हैं, हमको बाबा पे भरोसा है, विश्वास है, बाबा जो करेंगे वो सही करेंगे। हर हर महादेव। मेरा नाम राहुल कुमार पांडे है, मैं श्री काशी मंदिर में शास्त्री पद पर नियुक्त हूँ। मंदिर प्रांगण में पहले गोयनका भवन होता था, उसमें तीसरे तल्ले पे मेरे पिताजी की नौकरी थी, उसमें रूम मिला था, रहते थे हम लोग। सन 96 से मैं देख रहा हूँ, मेरा उम्र 30 साल है लगभग, आज तक अभी मैंने फाउंटेन नहीं देखा जो मस्जिद प्रांगण में। फाउंटेन कहाँ से आ गया मैं सोच रहा हूँ, जो शिवलिंग है शिवलिंग पूरा आकार दिख रहा है, जो ऊपर ये दिखाई जा रही है पट्टी जो उसमें 3 इंच जाकर देखा गया है लकड़ी, जिसे लग रहा है नया नया कोई बनाया गया है। आज तक मैं समझ में नहीं आ रहा कि शिवलिंग के ऊपर ये फाउंटेन कहाँ से आ गया, अगर फाउंटेन होता उसको कोई जरिया होता निकलने का पानी। 28 साल मेरा लगभग हो रहा है उम्र, उसमें आज तक मैं देखा नहीं फवारा कभी निकला हो, जो लोग बताया जा रहा है फवारा निकल रहा है। बिल्कुल शिवलिंग के रूप ही है, उसमें मानना क्या है, शिवलिंग तो है ही है, फाउंटेन कभी उसमें देखा नहीं है ना कभी सुना ना किसी ने देखा है। अगर देखा हो तो उन्होंने को अपना पक्ष दिखाएं, कोई प्रूफ दिखाएं कि फाउंटेन कभी चला है भविष्य में या पूर्व में कोई चलाया है उसको फाउंटेन को। वो भी तखाना भी खोलने की बात कर रहे हैं कि दीवारें हटाई जाए, तो क्या लगता है और भी चीजें मूर्तियां मिल सकती हैं? नंदी के सामने से एक गुफा है जहाँ नंदी जी बिग नंदी जी है, वहाँ पे एक गुफा है, अगर गुफा को देखा जाए खोला जाए तो काफी प्रमाण मिलने के दिख सकते हैं। आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल मांगता हूँ। मंदिर प्रांगण में ज्ञान भावी प्रांगण है, पहले हम लोग बचपन में खेलते थे हाफ पैंट पहन के लगभग, तो हम लोग पूरा छोटे छोटे थे तो हम लोग पूरा परिसर घूमे हैं,
अंदर गुफा भी है, वहाँ पे कुछ तहखाने भी हैं, उसको खोला जाए। मैं तो कोर्ट से निवेदन करूंगा जो भी जांच हो पूर्ण रूप से जांच हो और निष्पक्ष जांच हो।